हेलो बच्चों, आज से हम अपनी अगली सीरीज लेके आ गए बेटा, क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस की, एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर का। इससे पहले हमने 22 क्वेश्चंस हमने आपको एक वीडियो में दे रखा है ना। आज ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम है ना 50वें क्वेश्चन तक जाएंगे, और ये आपके सामने 32 क्वेश्चन तक हमने रखा है। आइए बेटा इस सवाल को सॉल्व करते हैं, है ना, और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं सारे ना एमसीक्यू, अगर आप अपने सही करना चाहते हैं, है ना। आपके टोटल एमसीक्यू कितने आएंगे आपको पता ही है ना। तो 20 एमसीक्यू आएंगे जिसमें 7 और 8 या केमिस्ट्री से होंगे, 7-8 बायो से होंगे, बचे हुए फिजिक्स से होंगे, है ना। देखो जरा, देखो भैया करा है NaCl कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो बनाता है Na2SO4 और बनाता है एक्स गैस। तो पूछ रहा है भैया बताओ गैस कौन सी है ना। तो भैया ये है क्या, अगर आपको जानते हो तो भैया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, जहाँ पर आयन एक्सचेंज होते हैं, है ना बेटा। तो भैया आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सी गैस बनेगी, HCl गैस बनेगी, इंपॉर्टेंट बात है, याद कर लो, है ना। और बेटा इसमें जो गैस बनेगी वो मॉइस्चर ना ऑब्टेन कर ले, मॉइस्चराइज ना हो जाए, अथवा HCl गैस ही मिले, ऐसा ना हो कि HCl बेटा ब्रेक कर जाए पानी की प्रेजेंस में, क्योंकि पानी पड़ेगा तो ये बेटा टूट जाएगा H+Cl- में। तो ऐसा ना हो, इसको बचाने के लिए हम है ना CaCl2 है ना CuCl2 का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर क्लोराइड का, है ना। तो याद करने के लिए बोला था मैंने पिछले बार, है ना, इससे पहले वाली वीडियो में है वो क्वेश्चन, ठीक है, आओ कोई बात नहीं। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, कह रहा है सभी स्टेटमेंट सही है सिवाय, है ना। तो बेटा आपको सिवाय ढूंढना है कौन सा, है ना। कह रहा है इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, कह रहा है तमाम कई इंडिकेटर का मिश्रण होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ट्रू स्टेटमेंट है ये। उसने देखो कहीं ना कहीं बेटा वो तुमसे पूछ रहा इनकरेक्ट वाला। इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन, बेटा बिल्कुल सही बात है, अलग हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन जैसे जैसे होगी बेटा H प्लस, तो बेटा pH की वैल्यू बदलती जाएगी, है ना। pH इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हो कि नहीं, माइनस log H प्लस कंसेंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखा होता है कंसेंट्रेशन, तो बेटा ये फॉर्मूला होता है भैया। तो जितना ज़्यादा H प्लस होगा है ना, pH की वैल्यू उतनी कम आएगी निगेटिव लगे होने की वजह से, है ना। तो भैया तो ध्यान रखना, ये भी एकदम सही बात है। करा है लिटमस इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, करा है लिटमस यूनिवर्सल इंडिकेटर है बक, है ना बेटा, लिटमस यूनिवर्सल इंडिकेटर थोड़े है, है ना, ये अलग अलग कलर थोड़ी शो करेगा। तो भैया ये क्या है, गलत है, उसने यही पूछा था कि सब सही है सिवाय, तो सब सही है सिवाय इसके, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया से पढ़ो, है ना, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, पढ़ा करो, सवाल लगाओ बेटा लोग, है ना जी। आओ भैया देखो, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कार्ड, कह रहा बेटा एक स्केल है जो मेजर करती है हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को, उसको क्या कहते हैं भैया, उसको pH स्केल कहते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये मत सोचो नहीं आ सकता, ये आ सकता। फिर ये दिया ना NCERT बेटा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि pH स्केल डेवलप्ड बाई, बेटा कभी कभी pH स्केल लिख के नहीं आया, कि नहीं लिख के आया ऑप्शन में, हो सकता है सोरेनसन स्केल लिख के आ जाए, है ना। तो बेटा pH को बनाया किसने था, सोरेनसन ने, याद कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि pH स्केल का डेवलपमेंट है ना किसने किया था, तो बेटा सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था, नाम ही था उनका सोरेनसन पूरा नाम था इनका, इन्होंने बनाया था बेटा, ठीक। फिर बेटा कह रहा है अगला 27वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 बड़ा प्यारा है, कह रहा है जीरो इन पीएच स्केल, पीएच स्केल में जो जीरो होता है वो क्या बताता है, है ना। तो भैया आपको पता होना चाहिए पीएच स्केल होती है वो 0 से 14 तक लाई करती है, बीच में 7 होता है ना। तो भैया ये बताता है 7 के इधर होते हैं एसिड और 7 के उधर होते हैं बेस, है ना, ये पीएच स्केल की रेंज है 0 to 14, है ना, जहाँ पर 7 बताता है न्यूट्रल बेटा, उससे पहले इधर होते एसिड। तो बेटा 0 मतलब है ना ऐसे ऐसे आते जाएंगे ना बेटा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो बेटा 0 इन पीएच स्केल बताता है बेटा वेरी एसिडिक कंडीशन को, है ना, कौन सी कंडीशन को, वेरी एसिडिक कंडीशन को बताती है, पढ़ लो, है ना, पढ़ लो बेटा पढ़ लो।
इनकरेक्ट अबाउट पीएच स्केल, है ना। इससे पहले जो वीडियो डाले मैंने, है ना, व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे हैं, पता नहीं नालायक पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। पढ़ो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तुम्हें, नहीं आएंगे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आएंगे भी लेकिन बहुत सारे नहीं आएंगे, तुम्हें एहसास होगा कहाँ पढ़ना है, है ना, कहाँ पे अभी कमियां हैं हमारी। अपनी कमियों के लिए बेटा थोड़ा वक्त दो, पढ़ो, है ना। गर्लफ्रेंड की जगह इधर टाइम दो बेटा, थोड़ा सा उससे बोलो अभी थोड़ा टाइम दे के पढ़ाई बेटा, पढ़ाई करो, ठीक है। इनकरेक्ट अबाउट पीएच स्केल कर रहा, पीएच स्केल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, है ना बेटा, कौन सा स्टेटमेंट ठीक ना है। तो बेटा क्या कह रहा है, पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। एकदम सही बात है बेटा, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच 7 होता है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है वैल्यू लेस देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, 7 से कम बेटा एसिड बताता है, 7 से ज्यादा बेस बताता है, ठीक है। तो भैया एकदम सही बात कह रहा है लेस देन 7 है, लेस देन 7 है तो भैया एसिड है, बिल्कुल सही बात। फिर कह रहा है वैल्यू मोर देन 7 ऑन पीएच स्केल रिप्रेजेंट बेसिक, कह रहा मोर देन है 7 तो बेसिक बताता है, एकदम सही बताता है भाई, एकदम सही बताता है। फिर वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, है ना, रिप्रेजेंट डिक्रीज इन ओएच कंसंट्रेशन। ना भाई ना 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 बेटा, हम कह रहे हैं बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। देखो बेटा कह रहा है 7 से जब 14 की तरफ बढ़ते हैं तो ओएच कंसंट्रेशन कम होती है। नहीं भाई, है ना, ओएच कंसंट्रेशन बढ़ती है बेटा, क्योंकि बेसिक करेक्टर बढ़ता है और बेस वो होते हैं जो ओएच निकालते हैं पानी में डालने पर, जो ओएच रिलीज करे वही बेस है। तो बेटा ज्यादा बेस है मतलब ज्यादा ओएच होना चाहिए। कह रहा है कि 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो ओएच डिक्रीज करता है। ना भाई, डिक्रीज ना करता, ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, ठीक है ना। सुंदर क्वेश्चन है बेटा, है ना, सारे सुंदर ही हैं, ठीक। आगे देखो बेटा 29, इस तरह के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में तुम्हारे, ठीक है, पढ़ के जाओ। जरूरी नहीं कि तुम सीबीएसई वाले ही पढ़ो इसको, कोई भी पढ़ सकता है बेटा जो 10वीं में है। आगे देखो तो तुम लोग शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों मित्रों जो अलग ब्रांच में है, यूपी बोर्ड वाले हैं वो भी पढ़े हैं, उनके यहाँ भी तो आता है, तो वहाँ तो एनसीईआरटी ही चलती है, पढ़ा करो भैया। आगे देखो 29 मैच द फॉलोइंग कह रहा बेटा, कॉलम फर्स्ट और सेकंड दिया है, कह रहा मैचिंग करवानी है। क्या करवानी है, मैचिंग करवानी। आपको दिया गैस्ट्रिक जूस, है ना बेटा, जो आपका पेट है उसमें जो एसिड है, बच्चों पढ़ा होगा अगर बायो में न्यूट्रिशन वाला चैप्टर तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पेट में HCl बनता है, सोचो कितना खतरनाक एसिड बनता है तुम्हारे पेट में। कह रहा जो गैस्ट्रिक एसिड बनता है बेटा उसका पीएच क्या होता है, तो बेटा इसका पीएच, है ना, तुम याद कर लो बेटा कितना होता है, इसका पीएच होता है बेटा 1.2, है ना भाई। मैच कराना है तो सबसे कम पीएच होगी बेटा, है ना, क्योंकि HCl है उसके अंदर। फिर बात आती है लेमन जूस की, तो बेटा लेमन जूस ये होता है, ठीक। ब्लड बेटा हमारा 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेटा बेस होता है लेकिन बहुत बड़ा बेस नहीं है, क्योंकि उससे खतरनाक बेस नीचे दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बेटा इसका पीएच 14 होगा। तो इस तरह से बेटा आपको मैचिंग आनी चाहिए, है ना बेटा। एग्जाम में ऑप्शंस बन के आएंगे कि ए का ये, बी का वो ऑप्शन, ना सी का वो, ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे 4 और आपको एक चुनाव करना होगा, चुन लेना आप लोग, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर देखो गैस्ट्रिक जूस का 1.2 भी लिख रखा, लेकिन बेटा अगर 1.8 दिया हो ना तो वो ज्यादा सही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। देखो बेटा मैच द फॉलोइंग, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दो दिए हैं बेटा, है ना, और आपको बताना है, है ना, पीएच क्या होगी, है ना। अब आप देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। करो इस सवाल को, थोड़ा दिमाग लगाओ और करो, बड़ा प्यारा सवाल है बेटा, तो करिए सवाल बेटा ये वाला, तो बढ़िया सवाल है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आधे लोगों को मैं बता रहा हूँ वीडियो रोक कर, तुम करो इस सवाल, है ना, तुम्हें आता नहीं होगा ये पक्का बता रहा हूँ मैं, तुम्हें नहीं आता होगा, है ना, नहीं आता होगा तुमको, है ना, आने लगेगा लेकिन आज। देखो बेटा
सबसे पहले बेटा है ना, जैसे बेटा एरेटेड ड्रिंक दिया है, एरेटेड ड्रिंक मतलब भाई बेटा कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है ये, तो कोल्ड ड्रिंक जो होता है बेटा वो एसिड जैसी पीते हो तो लगता है गले में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि छिल जाए, है ना बेटा। तो मतलब एसिडिक है और है ना बेटा, एसिडिक बेसिक कंडीशन दोनों मिलती है। तो बेटा इसकी पीएच रेंज लाई करती है 6 से 8 के बीच में, है ना बेटा, वो डिपेंड करता है कंपनी ने कितना है ना उसमें कार्बोनिक एसिड मिला रखा है, ठीक है। देखो ए भैया देखो जरा, HCl का तो जान ही गए, HCl का तो 0 होगा, है ना। टैप वाटर है ना बेटा, टैप वाटर नल का पानी, अरे 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 गलत गलत हो गया क्या भाई क्या, एक मिनट बेटा एक मिनट गड़बड़ कर दी मैंने, है ना। टैप वाटर का होगा बेटा 6 से 8, है ना। टैप वाटर कितना होगा 6 से 8 होगा, ठीक है, पानी है 6 से 8 होगा। इम्प्यूरिटीज की वजह से नल में बेटा अलग अलग पानी अलग अलग होते हैं, ठीक है। ए सुंदर भैया एकदम सामने सामने सब लिखे हैं, बहुत सुंदर भैया। तो बेटा कैसे याद रखो कि मान लो भूल जाए, मान लो जंबल करके दिया होता, यहाँ तो कॉफी का बेटा दिया था ना, कॉफी का बेटा कॉफी कप में पीते हैं, और कप कैसा होता है, ऐसा होता है, देख बेटा कप ऐसा होता है ना, ऐसा कप होता है। तो कप बेटा 4 के जैसा दिखता है ना, ये देखो ऐसे 4 जैसा होता है ना, ये देखो ना ऐसे कप पकड़ लेते तो 4 जैसा होता है। तो ध्यान रखना बेटा 4.5 है किसका, कॉफी का, है ना। तो कॉफी फी मतलब 4.5, को मतलब कॉफी मतलब 4, और 5 एफ लिखा एफ मतलब 5, 4.5 याद कर लेना यार, क्या दिक्कत है। कार, कार बेटा 6 पहिए वाली कार है बेटा, कैरेट में कितने हैं 6 होती है। एरेटेड ड्रिंक जो होती है बेटा उसका 4 होता है, ठीक है। तो बेटा ये सब कुछ सामने सामने लिख रखा है, एकदम सुंदर है, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन याद कर लो, तरीका भी मैंने बता दिया आपको याद करने का, ठीक है बेटा। वो थोड़ा सा गलती हो गई मेरे में, ध्यान ना दे पाया। ओके अगले बेटा देखो, आपको लेमन जूस दिया है, कॉफी दी है, NaOH दिया है, और HCl दिया है, और पूछ रहा है आपसे कलर। बेटा ये पीएच का सवाल है, किसका, पीएच का सवाल है, बढ़िया सवाल है, सुंदर सवाल है, करिए इसको सवाल को आप। तो भैया लोग देखें जरा, तो बढ़िया है सवाल, सुंदर सवाल है वैसे तो, है ना। आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जो पीएच होती है ना, ये पीएच स्केल है ना बेटा, तो इधर किनारे में लाल होता है, रेड होता है, और सबसे किनारे में बेटा इधर डार्क ब्लू होता है ना बेटा। इधर लाल, हल्का लाल, हल्का लाल, फिर ऑरेंज, फिर यह ना हल्का करेंगे तो ये ऑरेंज है ना, लाल से रेड से ऑरेंज, ऑरेंज फिर येलो, फिर बेटा यहाँ पर होता है ग्रीन, है ना, जो न्यूट्रल होता है वो होता है ग्रीन, फिर बेटा डार्क थोड़ा सा और ग्रीन, ग्रीन डार्क, ग्रीन डार्क, ग्रीन बेटा यहाँ तक आते आते हो जाता है ब्लू, है ना। तो ऐसे बेटा याद करते हैं। तो बेटा लेमन जूस जो होता है वो ऑरेंज होता है, कैसा होता है, ऑरेंज होता है, है ना बेटा। और कॉफी पीएच स्केल में देखोगे तो कॉफी वाला येलो कलर का होगा बेटा, है ना, क्योंकि देखो ना 4.5 पीएच है, तो ज्यादा इधर आएगा, इधर के बीच में आएगा ना, तो बेटा लाल से ये पीला पीला पड़ जाता है ना। NaOH बेटा सबसे लास्ट में आता है, डार्क ब्लू हो जाएगा क्योंकि सबसे बढ़िया बेस है, और ये बेटा रेड है, है ना, क्योंकि सबसे खतरनाक एसिड है ये, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है बेटा ये, इस ऐसा बताया इसलिए ताकि आप यहाँ पर ध्यान दें, पीएच को पढ़ के जाएं, है ना। एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उस चार्ट पे फिलिंग नहीं है, वो आपको भरना है, है ना, और उसको आपको तैयार करना है। वैसे मैं एक वीडियो में बना के लाऊंगा उस सारी जितने बेटा चार्ट्स दिए हुए ना, चार्टों को भर भर के ले आके दिखा दूंगा आपको, ठीक। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ, है ना बेटा। तो देखो बेटा एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, तो बेटा वो डिपेंड करती है एसिड के लिए H+ पर, और बेस के लिए OH- पर डिपेंड करती है। तो बेटा याद रखने का है ये बेटा 32 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए, है ना। अब आगे बात करते हैं 33 से। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, और वहाँ से लेकर 41 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। और आइए बेटा, बढ़िया बढ़िया सवाल है, लगाते रहो यार, बढ़िया बढ़िया सवाल लगाओ, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने एनसीईआरटी के, अच्छा सीरियसली लिया करो, है ना, ये एमसीक्यू बेटा। तुमको वो सवाल जो तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो भी लिखने मदद करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एमसीक्यू है तो क्या ध्यान दें, है ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान से हर बात को ध्यान से पढ़िए, ये आपकी मदद करेंगे बेटा उन सवालों का जवाब देने के लिए जो सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। ऐसा नहीं केवल ऑब्जेक्टिव सॉल्व होंगे, सब्जेक्टिव भी सॉल्व होंगे इससे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य बेटा कथन आपको चुनने हैं इसमें से, है ना। कह रहा है बेटा हमारी बॉडी जो होती है वो कार्य करती है, आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज 7 से 7.8, मतलब 7 to 7.8 पीएच रेंज में हमारा
शरीर कार्य करता है बेटा, बिल्कुल सही बात है, इसी रेंज में काम करता है, इससे इधर उधर जाता है तो बेटा, तो बड़ी हमारी बॉडी में जिसको हम डिजीज स्टेट कहते हैं, डिजीज स्टेट डेवलप हो जाती है बेटा बॉडी में, है ना। दूसरा कि जो पीएच ऑफ एसिड रेन है ना बेटा, बारिश के पानी का एसिड रेन जो अम्लीय बारिश होती है बेटा, है ना, उसमें है ना जो उसकी पीएच होती है वो क्या होती है भैया, तो लेस देन 5.6। बिल्कुल सही बात है बेटा, याद कर लो इसको। जो हमारी बारिश के एसिड रेन जो पहली बार बारिश होती है, घर वाले बोलते हैं पहली बारिश में भीगना नहीं चाहिए, यही कारण है बेटा कि क्योंकि वो उस पानी का पीएच बेटा 5.6 है, जो आपके बॉडी के बेटा उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी, आपको फुड़िया फुंसी निकल जाते हैं ना, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, रैसेस पड़ जाते हैं शरीर में, ठीक है। आगे देखो, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, बेटा वीनस एक प्लैनेट है और जो उसका एटमॉस्फेयर है वहाँ बेटा मेड अप ऑफ क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान रखना इसको, याद करके जाना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा कि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है, वीनस होते हैं ना प्लैनेट हमारे, है ना, वीनस है, अर्थ है ना बेटा, नेपट्यून और पता नहीं क्या क्या है ना, सब जानते हो तुम लोग, तो सोशल में पढ़ा तुम लोगों ने, तो एटमॉस्फेयर जो है वीनस का बेटा वो किससे बना है, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से बना है, एकदम सही है। उसने पूछा कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं है, सभी स्टेटमेंट सही है, ठीक। फिर कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है बेटा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। कह रहा अवर बॉडी अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, हाँ बेटा हमारे स्टमक में HCl बनता है, सही बात है। उसने पूछा गलत बताना है, सही चुनना है, मैं गलत इन गलत है सही है बेटा, ध्यान से करेक्ट इनकरेक्ट जरूर पढ़ लेना, सवाल में गलती कराते हैं बच्चे जल्दीबाजी में, ठीक है। फिर बेसिस दैट गिव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी कॉल्ड एंटासिड, हाँ बेटा एंट एसिड, एसिड का विरोधी होता है, तो बेटा आपको जो है ना एसिडिटी से रिलीफ देता है, ये भी बेटा सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड, ठीक है बेटा, एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड एंड प्रिवेंट एसिडिटी, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से है ना बेटा हो जाता है आपकी एसिडिटी से आपको छुटकारा मिल जाता है ना। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज एंटासिड, बिल्कुल सही बात है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड की तरह कार्य करता है, तो कौन सा गलत है भैया, कोई गलत नहीं है सर, ठीक है बेटा, बढ़िया सवाल है, पढ़िए ये सब स्टेटमेंट बेटा आपको सब्जेक्टिव सवाल भी सॉल्व करने में मदद करेंगे, तो इसलिए हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात हो रही है बेटा, है ना, कि इसमें से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, कौन सा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, मेरा नाम में ही है मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीज होगा जरूर, तो मतलब भैया तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, तुम और तुम सही हो सकते हो, ठीक है। तो बेटा याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को नहीं, ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये बहुत अच्छे अच्छे सवालों पेपर में आते हैं बेटा, ये सवाल आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां पर बेटा ये सवाल पूछे जाते हैं, वहां पर भी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो बेटा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, है ना। इसी को आप जो आप जाते होंगे, जब आपको एसिडिटी होगी डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो डाइजीन देते हैं, है ना, तरह तरह की टेबलेट देते हैं बेटा, उसमें यही होता है, जो सिरप विरप देते हैं एसिडिटी कम करने वाले, वो यही है। कह रहा है टूथ डिके, दांत खराब होने लगते हैं बेटा कब, वेन जब पीएच, आपके मुंह का पीएच क्या होना चाहिए बेटा, आपका पीएच हमको पता है बेटा, यहां से यहां तो हमारी बॉडी में कोई दिक्कत ना होगी, है ना। तो बेटा याद रखना है, अगर तुम्हारे मुंह का पीएच लेस देन बेटा हो जाए किससे, 5.5 से, तो तुम्हारा दांत खराब हो जाएगा, टूथ डिके हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखने का। फिर देखो बेटा 37 क्वेश्चन देखो, क्या टूथ इनेमल, जो बेटा टूथ की सबसे आउटर कवरिंग होती है, अगर आपने न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में दांत पढ़ाया गया हो तो दांत का जो हमारे सबसे ऊपरी कवरिंग होती है बेटा, सबसे ऊपरी लेयर होती है ना, उसको हम लोग बेटा क्या है ना, उस दांत की कवरिंग को क्या बेटा बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, उसके बाद वाली को डेंटाइन कहते हैं, उसके बाद बेटा पल्प कैविटी होती है ना, क्या होती है, पल्प कैविटी होती है, गम्स है तुम्हारे, है ना, ये गम्स है मसूड़े, ठीक, तो इसी के अंदर बेटा नर्व्स होती हैं, ये सब होती हैं, है ना, तो बेटा डेंटाइन है, इनेमल है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो पूछ रहा है कि इनेमल किससे बना होता है, द टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है बेटा, मेड अप ऑफ कैल्शियम,
कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। तो पूछ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है, है ना बेटा? तो ये एक बहुत सुंदर सवाल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना बेटा, जरूर इसको पढ़ लीजिए आप, याद कर लीजिए इसको, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, है ना? क्या है भैया ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट का? नहीं, बिल्कुल गलत है बेटा, है ना बेटा? ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है कैल्शियम फॉस्फेट का, याद रखना बेटा। तुम्हारी हड्डियां, तुमने पढ़ा होगा हमारी क्लास नाइन्थ में कि हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती हैं ना। तो बेटा हमारे दांत में बेटा जो इनेमल होता है वो हड्डी सबसे मजबूत तत्व होता है बेटा हमारे शरीर का, है ना? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, है ना बेटा? तो बेटा इसको याद रखना, ये किसका क्रिस्टल है? कैल्शियम, है ना बेटा? कैल्शियम फॉस्फेट का ध्यान रखना है ना, कैल्शियम फॉस्फेट का ये बेटा क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ध्यान रखना बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी लिख के आ सकता है पेपर में, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से आपका इनेमल बना हो सकता है। तो ये पूछेगा, यहाँ तो पूछा गया है कि ये है क्या, है ना? तो भैया ये है, बना किससे होता है? इससे हो, ये है क्या? ये होता है, ठीक है? तो बस ये बेटा कोई भी स्टेटमेंट आ सकता है, ये भी आ सकता है या तो बेटा ये आ सकता है, तो दोनों पर आपकी नजर होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं हर सवाल का हर बात इंपॉर्टेंट है। फिर स्टिंगिंग हेयर सेल ऑफ नेटल लीव्स, है ना, ये दिया हुआ बेटा एनसीईआरटी में, पढ़िएगा कि नेटल एक प्लांट है, उसकी जो लीव्स होती हैं, है ना, नेटल एक हर्बेसियस प्लांट्स है, है ना बेटा? उसमें जो लीव्स होती हैं उसकी, उसमें कांटे जो होते हैं उनमें एसिड पाया जाता है ना बेटा, जिससे अगर कांटे चुभ जाते हैं तो आपको उस जगह पर जलन और ईचिंग होने लगती है। तो पूछा जाता है वो कौन सा एसिड है, है ना बेटा? कह रहा है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स कंटेन, कह रहा है उसके लीव्स में क्या कंटेन करता है, है ना? स्टिंगिंग हेयर सेल्स क्या कंटेन करते हैं? तो बेटा वो कंटेन करते हैं, याद रखना, फॉर्मिक एसिड, या बेटा इसी को बोलते हैं मेथानोइक एसिड, आईयूपीएसी में कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, और बेटा इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है बेटा? ध्यान रखने का है, तीन बात बताई मैंने, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, इसको मेथानोइक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मूला ये है, ठीक? कह रहा है बेटा कौन सा फॉल्स है, ठीक है? तो बेटा डॉक प्लांट, बेटा पढ़ोगे एनसीईआरटी तो दिया हुआ बेटा डॉक प्लांट, डॉक प्लांट एक एंटासिड प्रॉपर्टी रखता है बेटा, बिल्कुल सही है। अगर नेटल लीव्स आपको ना चुभ गई हैं, आपके कांटे चुभ गए हैं और आपको जलन हो रही है, तो आप डॉक प्लांट्स बेटा की लीफ लीजिए, उसको रगड़िए उस जगह पर, तो आपको जलन कम हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर एंटासिड पाया जाता है। तो बेटा ये सवाल बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपकी नज़र नहीं गई है तो जानी चाहिए, ठीक है बेटा? फिर कह रहा है टमाटर से बेटा ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, टमाटर से ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। अगर नहीं याद है तो ये बेटा आया हुआ सवाल है, इस तरह के सवाल आए हुए हैं, ऑप्शन में ही आया था, टोमेटो कंटेन, चार ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है बेटा? तो टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, रट लो, ठीक है? लेमन में बेटा लैक्टिक एसिड, ना बेटा ना, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है बेटा, लैक्टिक एसिड तो दही में होता है, है ना? तो बेटा उसने गलत पूछा, यही गलत है, ठीक है? टार्टरिक एसिड में, टार्टरिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम टामरिंड इमली, टामरिंड मतलब होता है इमली, इमली से टार्टरिक एसिड मिलता है बेटा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये आपको याद रहना चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द करेक्ट मैच, है ना बेटा? करेक्ट मैचिंग करनी है आपको। तो बेटा देखो, खट्टा दूध सोर मिल्क, खट्टा दूध को ही दही कहते हैं, खट्टे दूध को ही बेटा, इसको कर्ड भी कह सकते हो आप। तो बेटा एग्जाम में खट्टा दूध है या कर्ड आए, बात एक ही है, है ना? तो बेटा इनमें क्या पाया जाता है, तो याद रखना बेटा लैक्टिक एसिड पाया जाता है, है ना? ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है? स्टिंग है ना, एंट स्टिंग, है ना, चींटी के डंक में बेटा फॉर्मिक एसिड बोलेगा या तो बोलेगा मेथानोइक एसिड, है ना, ये पाए जाते हैं, ठीक है? विनेगर में क्या दू, है ना बेटा, सिरके में एसिटिक एसिड होता है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है, याद करना है इसको आपको, है ना? खट्टा दूध बोल के आएगा बेटा, घबरा मत जाना, खट्टा दूध मतलब उसमें कर्ड बोल रहा है वो, ठीक? सोडियम इज नॉट अ कॉन्स्टिटेंट ऑफ, नॉट अ कॉन्स्टिटेंट ऑफ, सोडियम किस में नहीं होता, ये बढ़िया सवाल है, है ना, कि किसको बनाने में सोडियम का उपयोग नहीं हुआ है, है ना बेटा? बहुत अच्छा सवाल है। तो बच्चों ध्यान रखना है, पीओपी और जिप्सम को बनाने में, है ना, पीओपी और जिप्सम को बनाने में सोडियम का इस्तेमाल नहीं होता है, पीओपी और जिप्सम को बनाने में, है ना बेटा, किसका इस्तेमाल नहीं होता, सोडियम का इस्तेमाल नहीं होता, कैल्शियम होते हैं बेटा, कैल्शियम सल्फेट होते हैं ये, ध्यान रखना, पीओपी होता है और कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है, और
जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है ना, तो बेटा इनमें कैल्शियम होता है, बाकी जितने दिखे हैं आपके सामने उन सब बेटा सोडियम होता है। इससे ये पता चलता है कि आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, नहीं तो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा जितने मैं लिखे हैं आप इसको फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको याद करिए, है ना। आइए उसके आगे का सवाल करते हैं। आगे देखिए, तो थोड़ा सा एक चीज़ देखिए बच्चों, जो 41 क्वेश्चन है उसमें जो है ना ये भी आंसर होगा बेटा, है ना, ये तीनों, क्योंकि इसमें भी सोडियम नहीं होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर। तो बेटा बाकी जितने आपके सामने और भी है ना उनके फॉर्मूले आप लिखना, तो आपको पता चल जाएगा बेटा कि इसमें 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 तो कैल्शियम है लेकिन बाकी सब में बेटा सोडियम है। क्या है? सोडियम है। आपको बहुत अच्छे से इन सारे फॉर्मूलों को ध्यान रखना, इस तरह के सवाल भी बेटा पूछे जा सकते हैं कि किसमें सोडियम है किसमें कैल्शियम है, है ना, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर देखो 42 क्वेश्चन है ना, 42 क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इनकरेक्ट मैचिंग देखनी है आपको, कौन सा मैच सही नहीं है। तो बेटा पूछा कास्टिक सोडा, इन्हें बिल्कुल सही बात है बेटा, बेकिंग सोडा बिल्कुल सही बात है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। ठीक है, फिर बेटा देखो जरा सा वॉशिंग सोडा, उसने पूछा वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट .10H2O, सोडियम कार्बोनेट .10H2O है ना, और क्या पूछा है, जिप्सम। हाँ, जिप्सम में देखो बेटा, जिप्सम में देखो बेटा ये तीनों सही है, इसमें देखो गलती है, इसमें क्या गलती है, यहाँ बेटा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, CaSO4.2H2O होता है। दिस इज़ रॉन्ग। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, है ना, एग्ज़ाम में आप इसको अगर बेटा देख के नहीं जाएंगे तो आप गलती करके आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, फिर बेटा विच कंपाउंड कैन नॉट पॉजिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कहता क्रिस्टल वाटर किसमें पाया नहीं जाता, कह रहा है क्रिस्टलाइन वाटर किसमें नहीं होता, एक अच्छा सवाल है। ठीक है बेटा, किसमें नहीं होता ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो बेटा पीओपी में बेटा होता है, जिप्सम में होता है, किसमें नहीं होता वो पूछा है, तो बेटा वॉशिंग सोडा में होता है बेटा, बेकिंग सोडा में देखो कहीं भी वाटर नहीं होता। दिस इज़ द आंसर इन सब में, है ना बेटा, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, क्योंकि इन सब में होता है कॉपर सल्फेट बेटा, इसमें भी क्या होता है ना, होता है क्या, क्रिस्टलाइन वाटर होता है। तो पूछा उसने कौन सा नहीं होता, तो बेटा उसका आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा में नहीं होता। ठीक है, कैसे पता चलेगा, याद करना पड़ेगा, है ना, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, ये देखो उसी के ऊपर सवाल बनाया गया बेटा मैचिंग का, है ना। तो बेटा देखो पीओपी का होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट ½H2O, कितना ½H2O, ध्यान रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बेटा इनकरेक्ट बताना ही करेक्ट है, जिप्सम बेटा करेक्ट है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O सही है, कॉपर सल्फेट फंस गए मामला, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल पूछा है CuSO4.7H2O, है ना, अब फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइन बेटा पूछा है FeSO4.7H2O, कहा कौन सा बेटा, तो ये दोनों सही है। अब इन दोनों में तुम्हें कन्फ्यूजन होगा बेटा, ध्यान रखना कॉपर सल्फेट में 5H2O होता है, कितना 5H2O होता है, ध्यान रखना कहा है ना, 5 क्रिस्टलाइन वाटर होता है बेटा। ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं किसमें कितने क्रिस्टलाइन वाटर होते हैं। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है, इसका आंसर होगा बेटा सी, किसमें, है ना बेटा, किसमें क्रिस्टलाइन वाटर है ना का मैचिंग सही नहीं है, तो बेटा ये मैचिंग सही नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, बाकी सारे मैचिंग सही हैं। तो ये फॉर्मूला याद करवा दिया मैंने आपको, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सही स्टेटमेंट बताना है। तो बेटा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सवाल बेटा बहुत अच्छा सवाल है, ये पेपर में एक बार आया भी है लेकिन इस तरह नहीं लिख के आएगा, वो लिख के आया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट, ऐसे बेटा मैचिंग करके आया था सवाल, तो सवाल यही था, है ना, ऐसा ही आएगा, है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट बनता है बेटा वो न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी बेटा, 7 होगी, ऐसे मैच आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फिर न्यूट्रल फिर पीएच लिखी होगी, तीन कॉलम बना के मैचिंग करवाएगा, समझ गए, तो एक सवाल ऐसा या तो स्टेटमेंट लिख के आएगा। ठीक है बेटा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, पीएच वैल्यू 7 होती है। ठीक, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड लेकिन वीक बेस, तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग होता है वही करेक्टर दिखाई देता है, तो बेटा सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और एसिडिक सॉल्ट की पीएच 7 से कम होगी, एकदम सही बात लिखी हुई है, दोनों स्टेटमेंट अभी तक ठीक है। ठीक है, फिर बेटा पूछा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस
स्ट्रॉन्ग, देखो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, बेटा जो स्ट्रॉन्ग होता है वही दिखाई देता है, तो बेसिक सॉल्ट होगा, है ना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिड आर बेसिक, करा सॉल्ट बेसिक होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, जो स्ट्रॉन्ग होता है वही दिखाई देता है, और बेस है तो बेटा पीएच क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी। बेटा सारे स्टेटमेंट ठीक है, ए बी सी तीनों स्टेटमेंट ठीक है, बहुत सुंदर सवाल है बेटा, ये आपको आना चाहिए, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा बताने हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बेटा क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, है ना, तो बेटा क्लोर अल्कली प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बेटा क्लोर मतलब क्लोरीन, अल्कली अल्कली मतलब बेटा बेस, तो बेटा है ना यहाँ पे बेस भी बनता है और क्लोरीन भी बनता है, नाम पड़ गया क्लोर अल्कली प्रोसेस, इस प्रोसेस में ठीक है बेटा, यहाँ पर होती है बेटा ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, और ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है बेटा कंपाउंड जिसमें क्लोरीन गैस निकलती है, है ना बेटा, और NaOH बनता है ना, तभी नाम पड़ा बेटा क्लोर अल्कली प्रोसेस, नाम में ही आंसर होता है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो गड़बड़ करके आएंगे, है ना, रटिए मत, समझिए, क्लोरीन अल्कली मतलब बेस, है ना, सॉल्युबल बेस को अल्कली कहते हैं ना, तो इनकरेक्ट बताना है बेटा इस प्रोसेस के बारे में, करा इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट NaOH है, बिल्कुल सही बात है, मेन प्रोडक्ट NaOH है, करा है क्लोरीन एनोड पर निकलती है, है ना, और बेटा इसको आप देखिएगा NCERT में बढ़िया डायग्राम बना रखा है बेटा, एग्जाम में आता भी वो डायग्राम, कई बार पेपर में आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है, तो बेटा क्लोरीन कहाँ निकलती है, एनोड पर, याद कर लो, क्लोर अल्कली में क्लोरीन कहाँ निकलती है, एनोड पर, हाइड्रोजन कहाँ निकलता है, कैथोड पर, कहाँ निकलता है, कैथोड पर, ध्यान रखना है, ठीक है, अभी तक बेटा तीनों सही हैं। NaOH सॉल्यूशन जो होता है बेटा वो एनोड नियर एनोड बनता है, कह रहा है कि नियर एनोड बनता है, बेटा ध्यान रखना नियर बेटा एनोड नहीं बनता, ये नियर कैथोड बनता है, नियर कैथोड बनता है, ध्यान रखना जहां हाइड्रोजन बनती है वहां NaOH, वहीं पर NaOH बनता है, तो भैया कैथोड बनता है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो पूछा कौन सा गलत है, बेटा यही वाला गलत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइए, नहीं आप कर नहीं पाएंगे इस सवाल को, ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 46, हाउ मेनी प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस में कितने प्रोडक्ट निकलते हैं बेटा, देखो 1, 2 और 3 प्रोडक्ट बनते हैं, कितने प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, 3 प्रोडक्ट बनते हैं, ध्यान रखने का, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट यूज फॉर, कर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किसके लिए नहीं करते हैं बेटा, तो ध्यान रखना बेटा किसके लिए नहीं करते हैं बेटा, ब्लीचिंग कॉटन, ब्लीचिंग वुड पल्प, वॉश, है ना, है ना, वॉश्ड क्लॉथ को ब्लीचिंग, वॉश्ड क्लॉथ साफ कपड़े को बेटा ब्लीच करने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है बेटा ये, और मेकिंग पेस्टिसाइड्स, है ना बेटा, पेस्टिसाइड बनाने के लिए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है, तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा, है ना, तो मेकिंग पेस्टिसाइड्स, है ना बेटा, इसको पेस्टिसाइड बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, है ना बेटा, कोई भी कीटनाशक दवाई बनाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, तो ये हो गए बेटा आपके 47 क्वेश्चंस, तो अभी आप लोग इतने लगाइए, है ना, आधे घंटे का वीडियो बनाता हूँ मैं, उसमें इतने ही हो पाए आज, कोई बात नहीं बेटा, जो भी है ना 20-22 सवाल हुए हैं, 22-23 सवाल, वो आप सॉल्व करिए, और अगले वीडियो में इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाएंगे अगले आधे घंटे में, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू बच्चों।